नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंगल, असिस्टेंट लेक्चरर, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो छात्रों के करियर को एक अच्छा शेप दे सकता है। इसमें छात्रों को करियर बनाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो छात्रों को सही शिक्षा एवं करियर में सही दिशा दे सकता है, और इसके लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1984 में अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। हमारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश का एकमात्र फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत संचालित होता है। यह प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी NCHMCT नोएडा उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त है। होटल मैनेजमेंट के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें 5 डिप्लोमा कोर्सेज जो 10+2 के बाद, 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज जो कि ग्रेजुएशन के बाद, एवं 1 सर्टिफिकेट कोर्स जो कि 10th के बाद किया जा सकता है। इस इंस्टीट्यूट को 2011-12 के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बेस्ट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑलराउंड परफॉर्मेंस से नवाजा गया है। हमारा इंस्टीट्यूट द्वारा गरीब या अपनी फीस देने में असमर्थ छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार की ओर से भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछले 2 सत्रों में हर साल तकरीबन 150 छात्रों को करीब 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई। हमारा इंस्टीट्यूट इस महामारी के दौर में पूर्णतः सजग है और आवश्यक सावधानियां रखता है तथा सुनिश्चित करता है कि छात्र छात्राएं, अध्यापक एवं कर्मचारी सुरक्षित रहें। और इसके लिए रोज समय समय पर हाथ धोने, शरीर का तापमान मापने, कैंपस को सैनिटाइज करने, मास्क का हमेशा प्रयोग करने एवं सामाजिक दूरी की पालना जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में, जिसमें सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आयु की सीमा अधिकतम 25 साल एवं छात्र का 10+2 पास होना आवश्यक है। इनकी अवधि 1.5 साल की होती है। पहला डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना सिखाया जाता है, जैसे इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज कुजींस में पारंगत किया जाता है। दूसरा डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसमें गेस्ट को रेस्टोरेंट में व्यंजन परोसने एवं तरल पेय पदार्थ सर्व करने के अलग अलग तरीके एवं कला सिखाई जाती है। तीसरा कोर्स है डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, जिसमें बेकरी से संबंधित सभी तरह के व्यंजन बनाना जैसे केक, बिस्किट, ब्रेड, कुकीज आदि शामिल है। चौथा कोर्स है डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, जिसमें गेस्ट के होटल में आने से लेकर जाने तक उसकी हर प्रकार की जरूरत को समय पर पूरा करना सिखाया जाता है। पांचवा कोर्स डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन, जिसमें गेस्ट के रहने के रूम की रखरखाव, साफ सफाई, होटल के सार्वजनिक स्थानों की देखरेख, लॉन्ड्री, इन सब के बारे में सिखाया और बताया जाता है। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, जिसके लिए मिनिमम योग्यता 10th पास होना आवश्यक है। इसकी अवधि 6 माह की होती है एवं इसमें फूड एंड बेवरेज यानी विभिन्न पेय पदार्थों को अतिथियों को सर्व करना सिखाया जाता है। इसके बाद हम 2 PG डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध कराते हैं, जिनमें से पहला है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकोमोडेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इसकी योग्यता ग्रेजुएशन आवश्यक है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। इसमें छात्रों को हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है एवं छात्रों को ऑप्शन होता है कि या तो वो हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस में अपना करियर बना सके। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है डायटेटिक्स इन हॉस्पिटल फूड सर्विस, जिसमें डायटिशियन कोर्स
के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं को अपना करियर हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन चुन सकते हैं। डाइटिशियन का रोल मरीज के डाइट प्लानिंग एवं हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग होती है। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समय समय पर आयोजित करता है, जिसमें छात्र एवं छात्राएं बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करते हैं। इससे उनका संपूर्ण विकास होता है, जैसे शेफ कंपटीशन, विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं, आर्ट कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन आदि आदि। इससे छात्रों की प्रतिभा का विकास होता है। साथ ही हम समाज के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी एक्टिविटीज आयोजित करते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान। साथ ही हर साल वार्षिक उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं हिस्सा लेते हैं एवं प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र अन्य संस्थानों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेते हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर अपना और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो कि उनके भविष्य में बड़ी भूमिका निभाता है। इंस्टीट्यूट द्वारा कोर्सेज के दौरान इंडस्ट्री में क्या कुछ नया हो रहा है, इसके लिए समय समय पर होटल्स हॉस्पिटल्स में छात्रों की एजुकेशनल विजिट्स कराई जाती हैं, जिससे उन्हें इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल होती है। ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनकी पूर्ण जानकारी एवं पढ़ाई के बाद छात्र छात्राएं करियर में नई बुलंदियों को छू सकते हैं। इसके लिए उनके पास अनेक ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवेज, क्रूज लाइंस, एयर होस्ट, एयर होस्टेस, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, नेवल, डिफेंस, आर्मी, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्स, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स आदि आदि, जिसमें छात्र छात्राएं अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हर छात्र को 6 माह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभिन्न सितारा होटल्स और हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराता है। उसके पश्चात उनको रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप भी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.foodcraftaligarh.com पर विजिट करें। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन की लिंक पर क्लिक करें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एडमिशन फॉर्म ओपन होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें नेम ऑफ द कोर्स, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी 3 choices आपके पास अवेलेबल होती हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसकी 3 preference आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट को अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मेल और फीमेल, उसके बाद मेल आईडी, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, आधार कार्ड नंबर, रिलीजन, कैटेगरी एससी एससी ओबीसी या जनरल फिल करना होगा। इसके बाद ब्लड ग्रुप, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है वो इसमें फिल करना होगा। साथ के साथ पेरेंट्स की डिटेल्स भी आपको इसमें फिल करनी है, जैसे फादर का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मदर का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और प्रोफेशन या व्यवसाय के आपका क्या व्यवसाय है वो इसमें आपको फिल करना होगा। साथ के साथ आपको करस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी इसमें आपको फिल करना होगा। साथ के साथ अगर आप अलीगढ़ से बाहर से बिलोंग करते हैं, तो अलीगढ़ में कोई आपके गार्जियन है या आपके रिलेटिव हैं, तो उनकी डिटेल आप यहां पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस कॉलम में जो आपकी लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। साथ के साथ अदर एग्जाम्स में आप 10th, 12th अगर ग्रेजुएशन है या उसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन है, तो उसके डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB होनी चाहिए, साथ में 10th की मार्कशीट और क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है। जब ये सारे डिटेल्स आप फिल करें तो उसके बाद एक बॉक्स में क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपको पेमेंट पेज ओपन होगा जहां एडमिशन फॉर्म फीस ₹350 का भुगतान आप रुपे कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, NEFT या RTGS के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर्स की संपूर्ण फीस भी इसी तरह ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने या पेमेंट से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी सवाल है तो आप निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।